सीधे हम मैनचेस्टर लिए चलते हैं। विमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल, बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप, और किस तरह से आज की इस जीत को दो युवाओं ने कमाल धमाल किया, ऋषभ पंत और पंड्या ने, मैन ऑफ द मैच भी, मैन ऑफ द सीरीज भी, कैसे आंकेंगे, कैसे कैसे विश्लेषण करेंगे इस पूरे मैच का? पंत से हार, लेकिन साथ में इस बात पे भी खुश हूं कि सईद अंसारी जो पुराने दोस्त थे उनसे ऑन एयर मुलाकात हो रही है, भले ही एक दशक के बाद, उस पर भी खुशी है। लेकिन पूरा इंडिया इस बात पर खुश है कि जिस हालात में मैच जीता है। मैं आपको सईद बताना चाहूंगा, प्रेस बॉक्स सबसे कुछ ही देर में यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले हैं, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या, इंतजार कर रहे हैं हम लोग। लेकिन डेढ़ घंटे पहले माहौल बिल्कुल अलग था, यहाँ बहुत कम पत्रकार है, दो तीन लोग थे, और इंग्लैंड के जितने पत्रकार थे, इंग्लैंड खेमा बड़ा खुश था, उन्होंने देखा भाई हमने जीत से शुरुआत की थी वहां पर एज वेस्टर्न में टेस्ट मैच में, और उसके बाद यहां भी हम जीत से करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो दौरा जो है ना, ये मैच सिर्फ वनडे सीरीज का निर्णायक मैच नहीं था, बल्कि दौरे का निर्णायक मैच था, क्योंकि इस दौरे पे टेस्ट मैच में इंडिया ने डोमिनेट किया पहले चार दिन, आखिरी दिन वो हार गए और उसके बाद वो टेस्ट मैच गवा दिया। T20 सीरीज इन्होंने बहुत अच्छी खेली, जीती, यहां पर भी शुरुआत वनडे बहुत अच्छी हुई, लेकिन दूसरे मैच में बुरी तरह से हारे, लग रहा था कि मैच पूरी तरह से पलट गया। लेकिन क्या ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी की, और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा आज तक के तमाम दर्शकों को, कल ऋषभ पंत ने नेट्स पे बैटिंग भी नहीं की थी, कल उन्होंने राहुल द्रविड़ के साथ नेट्स पे ग्राउंड पे सिर्फ बैटिंग के बारे में बात की, करीब आधे घंटे मैंने उनको देखा बात की, क्या बात तो सुन नहीं पाया, दूर से देख रहा था, लेकिन जिस तरह से द्रविड़ उनके साथ जुड़े हुए थे, जो बातें बता रहे थे कि आपको शॉट्स कैसे खेलना है, संभालना है, लग रहा था कि उन बातों को 24 घंटे बाद पंत ने मैदान पर अमली जामा पहनाया। सही, ये बहुत बहुत बड़ी बात है विमल जो आपने कही। मदन जी अभी अभी ये कह रहे थे, विमल हम बात कर रहे थे, मदन सर आप भी विमल से बात कर सकते हैं सीधे, तो मदन जी ये कह रहे थे विमल की ऋषभ जो है वो बोर हो जाता है, और अगर बोर हुआ तो उसकी बैटिंग पे उसका असर देखने लगता है। तो ये जो बात आप बता रहे हैं मदन सर, आप सहमत हैं विमल ने जो कहा कि जिस तरह से राहुल द्रविड़ की और बातचीत हुई और उसको वो रिजल्ट हमें मैदान पर नजर आया? नहीं, देखिए, एक जब भी आप इतने ग्रेट प्लेयर से बात करते हैं असर तो जरूर होता है। देखो, आपका आपके पास स्किल है, आपके पास फिटनेस है, बट आपके पास जो मेंटल जो प्रिपरेशन है वो अगर कोई आपको कोई बता रहा है तो उससे आपकी जो बैटिंग एबिलिटी है वो ज्यादा इनहेंस होती है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जब आप कहते हैं ना कि ये मैच जो विराट कोहली आउट हुआ या रोहित शर्मा आउट हुआ, मैं कहता हूं जब तक ऋषभ पंत आउट नहीं होता तब तक मैच आप जीत ही सकते हैं, क्योंकि इसके पास ऐसे हैं स्ट्रोक्स। बाकी देखिए, ये है कि यू लर्न, अगर अगर ऋषभ पंत गुड स्टूडेंट है गेम का तो कभी मार नहीं खाएगा, क्योंकि जब आप दूसरों से लर्न करें, जिसने 12-15 हजार रन बनाए हैं राहुल द्रविड़ ने, बट किसी भी क्लास में क्रिकेट में रन बनाए हो, फिर भी मैं समझता हूं कि उनके पास ऐसी क्षमता है कि जो कि ऋषभ पंत को गाइड कर सकते हैं। तो मैं से ये एक बहुत अच्छी बात है जो विमल ने बताई, भी उन्होंने बात की, उन्होंने बैटिंग नहीं की, और कई बार बैट्समैन जो होता है कई बार उसको लगता है यार मैंने नेट में नहीं मैंने जाना, मैं ऐसे ही नॉकिंग करके कल अगले में, क्योंकि एवरी डे दे आर प्लेइंग द गेम, तो कई बार होता है प्रैक्टिस में मूड नहीं कर रहा, तो उससे बेटर है कि आप प्रैक्टिस ना करें और बात करें किसी से, बड़े प्लेयर से, तो उसका भी कहते हैं ना असर ज्यादा ही होता है देन प्रैक्टिस। ये जो एक नया लॉट आ रहा है विमल, चलिए हम क्योंकि एक मैन ऑफ द मैच, एक मैन ऑफ द सीरीज, तो विमल इन दोनों ही लड़कों पर हम बात करें, तो ये इनका एटीट्यूड किस तरह से देखते हैं आप क्योंकि मौजूद हैं मैनचेस्टर में, मैच देख रहे हैं, एक एक्सपीरियंस आपने शेयर भी किया हमारे साथ, इन लोगों का एटीट्यूड क्या है, कैसे जोश में दिखते हैं, इंग्लैंड में खेलने पर इन पे कितना प्रेशर होता है या नहीं होता, क्या देखा आपने विमल? देखिए, इंग्लैंड में तो सबसे अच्छी बात है, कहने को विदेश है लेकिन ये भारत जैसा ही लगता है, आपको कभी भी सही एहसास नहीं होगा कि आप मोहाली, दिल्ली या मुंबई से बाहर हैं, उतने ही सबसे बड़ी बात है दबाव इस बात का था, लोग यूएस से टिकट लेकर आए, कोई स्कॉटलैंड से लेकर आया, कोई स्पेन से लेकर आया, तो कहते ना इंग्लैंड एक तरह से दिल्ली और अगल बगल NCR है, गुड़गांव, उत्तर प्रदेश, सब जगह से लोग आ रहे हैं, वही यूके में होता है, वो दबाव तो होता है, लेकिन जो एक अच्छी चीज मुझे पंत के साथ देखने को मिली और हार्दिक पांड्या के साथ देखने, खासकर पंत के साथ, कप्तान रोहित शर्मा का भरोसा, रोहित जिस तरह से पूरे टूर में उनको गाइड कर रहे हैं, जो वक्त बिता रहे, कल की बात कर रहा हूं, कल रोहित शर्मा के साथ आए बहुत देर तक, ड्रेसिंग रूम से ऊपर बाहर में करीब रोहित शर्मा और पंत की भी करीब मैंने देखा आधे घंटे हंसी मजाक, रोहित का जो एटीट्यूड है पंत के साथ कभी भी ये नहीं लग रहा था एक कप्तान और एक जूनियर खिलाड़ी बात कर रहा है, ऐसा लग रहा था छोटे भाई बड़े भाई हैं, मतलब पंत भी मैं देखता था रोहित को छेड़ रहे थे, उन्होंने एक बार मतलब मैं उनसे बात कर रहा था तो मैं उनके शॉट बना रहा था, तो उन्होंने कहा भी रोहित ने कि अरे आप कितना शॉट लोगे,
तो पंत ने छेड़ते हुए कहा उनके सामने, सोचिए कि भाई लो लो हिटमैन का लो पूरा लो। तो मैंने बोला ठीक है, तब तो इन्होंने ऑर्डर दे दिया तो मैं लेता हूँ। तो बेसिकली एक हायरकी नहीं है, जैसे पहले होता था कि जगह नहीं भाई बहुत सीनियर है, कप्तान है तो थोड़ा सा आपको संभाल करना, तो वो एक बड़ा खुशनुमा माहौल है। मैंने ये देखा एक चीज, मैं बहुत दिनों बाद मतलब 3-4 साल बाद न्यूजीलैंड के बाद इस टूर पे आया हूँ, जो एक माहौल इस टीम में देखने को मिल रहा है, जबकि वो दूसरा वनडे हारे थे लॉर्ड्स में, उसके बाद भी जब ये टीम आई थी बहुत अच्छे मूड में थी। अब समझ लीजिए मीडिया से अगर अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, जो रेयर होता है, पिछले 10 सालों में मीडिया से थोड़े से तलखी वाले रिलेशन है, वहां पर भी अगर अच्छे से ये लोग बातें कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, तो आपको समझ में आता है कि मूड अच्छा है, वो अपने एक जोन में है, फोकस जीतने पे है, इनको नतीजों की बहुत ज्यादा परवाह नहीं होती। मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि अगर ये मैच हार भी जाते तो ये टीम ऐसा जुलाहट में रहती, ये कहती कोई बात नहीं है, वेस्ट इंडीज हमारी सीरीज, हम वर्ल्ड कप पे फोकस कर रहे हैं, हम एशिया कप पे फोकस कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी एक लॉन्ग टर्म विजन लेके देख रहे हैं, ये छोटी सीरीज या एक मैच दो मैच पर वो जो सिक्योरिटी आई है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी टीम में आई है, खिलाड़ियों का रोल तय हुआ है, कहा गया सबको वर्कलोड है कि आप इस फॉर्मेट में ये मैच नहीं खेलेंगे, उस फॉर्मेट में ये मैच नहीं खेलेंगे, आप इतने दिन आराम करेंगे, ये जो क्लैरिटी है, चेतन शर्मा मुख्य सेलेक्टर है, राहुल द्रविड़ कोच है, ये जो कोऑर्डिनेशन इनको देखने को मिल रहा, मुझे लग रहा है उसका कहीं ना कहीं एक जो असर है इस दौरे पे देखने को मिला है। विमल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर विमल की नजरें लगातार पीछे देख रहे हैं, आप जैसे ही शुरू होगी आपको हम फ्री करेंगे, आप चले जाइएगा। मदन सर, विमल की ही इस बात को आगे बढ़ाते हुए, आज की जीत क्या जिस कॉन्फिडेंस की बात विमल कर रहे हैं, ये वो कॉन्फिडेंस कि हम अपने युवा खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में कप्तानी करने का, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, उन्हें ये एहसास करवा रहे हैं कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप टीम को लीड कर सकते हैं, क्या ये एक बदलाव पिछले एक दशक में आपने देखा जो महत्वपूर्ण है, और इसे आप किस तरह से देखते हैं? नहीं देखिए, मैं बड़े पॉजिटिव वे से देखता हूं, क्योंकि देखिए एक कैप्टन और कोच का काम क्या है, अपने खिलाड़ियों को पॉजिटिव कर रहा है कि आप डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, कि आप ड्रॉप नहीं होंगे, आप परफॉर्मेंस, आप मैच पर फोकस करिए और परफॉर्मेंस करिए, आप ड्रॉप नहीं होंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब प्लेयर को पता होता है, और ये बड़े मच्योर प्लेयर हैं, इन्होंने इतने IPL खेले, इतना ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, इनके बहुत मैच्योरिटी है इनके पास, और माहौल जो अच्छा है इसलिए है क्योंकि इनको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। और देखिए ओवर 10-15 साल से अभी तक ये प्लेयर बिल्कुल डिफरेंट नेचर, डिफरेंट ब्रीड है ये इनके, ये डरते नहीं है मार शॉट खेलने से, और ना ही घबराते हैं किसी शॉट खेलने से, या किसी को बाउंसर मारने से, या उसको बाउंसर से आउट करने से, ये बिल्कुल नहीं घबराते, और इनका एटीट्यूड जो इतना पॉजिटिव है, मैं तो समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। और चांसेस दिए, देखो अगर कोच का काम और कैप्टन का काम ही है कि आप अपनी टीम को तो जिता ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ जो फ्यूचर की जो टीम है उसको बिल्टअप करना भी उसका एक फर्ज है, कि कल को आप अगर चले भी जाएं, आप छोड़ के चले जाएं क्रिकेट को, बट आपके पास कम से कम इतने प्लेयर हों, ताकि वो कहते हैं ना कई बार बड़ा प्लेयर जाता तो बिग होल होता है, पर अब ऐसा हो चुका है कि जब बड़ा प्लेयर भी जाएगा तो कोई ऐसा लगेगा नहीं यार इतना बड़ा होल हो चुका है, वो सी लोग कहेंगे यार ठीक है। अब देखिए रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने, या शिखर धवन ने रन नहीं बनाए थे, कम से कम हमारे इन्होंने बना के हमारे मैच जिता दिया, तो ये डिफरेंस है, और कॉन्फिडेंस लेवल का डिफरेंस है। और माहौल तो, माहौल कैसे अच्छा होता है, माहौल तब अच्छा होता है जब आप जीतते रहते हैं, नहीं तो आप हारते हैं तो आप सल्किंग फेस से जाते हैं, और आप किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। मदन सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे हमारी टीम इंडिया को लेकर कि क्या हम खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा लंबा खेलते हुए नहीं देख रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी, एक समय था जब हम बेंच स्ट्रेंथ की बात करते थे और उस बेंच स्ट्रेंथ को मैदान में उतरने के लिए काफी खून पसीना करना पड़ता था। विमल, बीसी शुरू हो रही है, आप जा रहे हैं, एक सवाल पूछ लें आपसे, पूछ सकते हैं, जब तक नहीं शुरू होती है तो मैं जवाब दे देता हूं। विमल देखिए, अगले साल हमें वनडे वर्ल्ड कप खेलना है, उससे पहले T20 खेलना है, आपको लगता है कि अब हम पूरी तरह से तैयार हैं, या हमारे दो बेहद महत्वपूर्ण विराट कोहली और रोहित शर्मा की फॉर्म अभी भी हमें चिंता में डाल रही है? विमल, नहीं मुझे नहीं लग रहा है चिंता की बात है, देखिए दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं, एक फेज और अच्छी चीज है कि कम से कम ये भी मुझे लगता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि इस चीज में भी अगर आप मैच जीत रहे हैं बिना विराट कोहली, शिखर धवन और रोहित शर्मा के, जो 3 क्रिकेट के ODI क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं, टॉप प्लेयर्स हैं, और उसके बावजूद भी आप इंग्लैंड में आके वर्ल्ड चैंपियन को उनके घर में हरा रहे हैं, तो इससे ज्यादा मजबूत निशानी क्या होगी भारतीय क्रिकेट के लिए? ये मुझे लगता है हमें पॉजिटिव देखना चाहिए, रोहित, विराट और शिखर ये तो कभी भी रन बना लेंगे।